खुशामदीद नाजरीन, शहर हैदराबाद में कल रात तूफानी बारिश के बाद बालापुर तालाब का कट्टा टूट गया, जिसके बाद हाफिज़ बाबा नगर के रास्ते झील में तब्दील हो गए। कल रात करीबन 2 बजे ये दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया, जिसने आवाम के नींद और सुकून को उड़ा के रख दिया है। हाफिज़ बाबा नगर के कई ब्लॉक्स में पानी दाखिल होने की वजह से लोगों को अपने छतों पर मुकीम होना पड़ा। पानी को रोकने के लिए बल्दिया की जानिब से जिन मिट्टी के थैलों का बांध बनाया गया था, वो चंद लम्हात में तिनकों की तरह बिखर गया और पानी अपनी पूरी ताकत के साथ जोर दिखाता हुआ गाड़ियां, ऑटोस और उसके सामने जो भी चीज़ आई उड़ाता हुआ चला गया। इतना ही नहीं, पानी के जोर के सामने लाइट के हाई टेंशन पोल्स भी टिक नहीं पाए और ज़मीन से जा टकराए। हाफिज़ बाबा नगर और फूलबाग में बहुत तबाही मच गई है। कितने फैमिलीज अभी तक लापता हैं और कितने ठीक हैं, इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो गया है। बताया जाता है कि बाबा नगर में तकरीबन 10 फीट से ज़्यादा पानी घरों के पास जमा है और कुछ मकानात का तो नामो निशान भी मिट गया है। आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। पार्किंग के पास उधर से भी है, पार्किंग के पास का भी पता हो गया। थोड़े ऊपर आ गए, चला बुरा इंस्टाग्राम यूट्यूब भी इसमें दक्कन डेली अम्मा सामान वामन बचा, कुछ भी नहीं बचा।
पैर रखे तो पैर धस जा रहा उसका। ये इलेक्ट्रिक पोल है, ये इलेक्ट्रिक पोल का ये हाल है देखो। अल्लाह कब कल गिरे हैं? अच्छा हाँ, हमको जमा स्वामी के ऑफिस से फोन आया। हाँ हाँ गाड़ी लेके क्यों गेट तक? अरे पूछो इमरान से, अब उसको बिठा के ले। इससे ज्यादा डाउन वो एरिया है।